हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आज मैं डाइट प्लान लेकर आई हूँ या डाइट टिप्स बताने वाली हूँ ओबेसिटी से रिलेटेड। इसकी पहली वीडियो में मैंने ओबेसिटी क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताया है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप यदि ओबेज हैं या ओवरवेट हैं तो आपको डाइट टिप्स क्या होनी चाहिए आपकी और डाइट में आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप यदि ओबेस हैं या ओवरवेट हैं तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए या कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए। यदि आप एल्कोहलिक हैं तो आपको एल्कोहल ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, बटर्स या नहीं खाना चाहिए, केक्स, पेन केक्स, चॉकलेट्स, कुकीज़, उसके अलावा आपको कैंडीज नहीं खानी चाहिए, क्रीम्स या चीज़ से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, फ्रेंच फ्राइज, पोटेटोज, जो पोटेटोज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फैट्स होता है या कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, पोटेटो चिप्स होते हैं उसे नहीं खाना चाहिए, जैसे फास्ट फूड्स होते हैं, पिज्ज़ा, स्नैक्स होते हैं और या फिर ऐसे फूड्स या डेजर्ट जिसमें जिलेटिन होता है या पुडिंग्स होती हैं वो नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा ग्रेवीज या सॉसेज आपको नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम, आइस मिल्क नहीं खाना चाहिए या सोडा जो होता है जैसे कि हम ड्रिंक्स लेते हैं कोका कोला या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं हमको वो भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में यदि आप सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं या शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको उसे भी अवॉइड करना चाहिए, वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। और यदि आप खाना खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप स्मॉल प्लेट में आप आपका खाना लेकर खाएं। उसके बाद में डोंट स्किप द फूड। यदि आप फूड स्किप करते हैं तो आप और ज़्यादा हंग्री फील करते हैं और आप बहुत ज़्यादा खाना नेक्स्ट जो आप मील लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप ओवर ईट कर लेते हैं। उसके बाद में यदि आप घर से बाहर हैं तो आप स्किप कीजिए, आप बाहर का खाना मत खाइए। बाहर जब भी कभी आप बाहर जाते हैं तो घर पे आके आप खाना खाइए, बाहर का खाना आप अवॉइड कीजिए। और उसके बाद में जब आप खाना खा रहे हैं तो आप उस दौरान ना तो कुछ किताबें पढ़िए, ना टीवी देखिए, ना गेम खेलिए। ये कुछ क्या होता है कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं या किताबें पढ़ते हैं तो हम एक्स्ट्रा में कुछ खा लेते हैं, हम खाने पे ध्यान नहीं देते और बस खाते चले जाते हैं तो उस दौरान भी हम ओवर ईट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो अर्ज होती है खाना खाने की, जो बहुत ज़्यादा खाना खाने की अर्ज होती है उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद में जब आप डिनर लेते हैं तो आपको डिनर जो होता है वो बहुत कम लेना चाहिए, थोड़ा सा खाना खाना चाहिए। मॉर्निंग में नाश्ता कर लीजिए आप पेट भर के, उसके बाद में लंच करिए, उसके डिनर जो आप होता है उसको लाइट रहने दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप खाना खाते हैं तो आपको कम्प्लीटली च्यू करना है, आपको चबा चबा के खाना है, एकदम से गल्पिंग करना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको गल्प नहीं करना है। उसके बाद में यदि आपने खाना खाया हुआ है तो खाना खाने के बीच में आप कुछ भी मत खाइए। यदि आपको खाना है तो रॉ कैरेट्स खा सकते हैं या आप सैलेड वगैरह ले सकते हैं। ड्रिंक्स 7 to 8 ग्लास वाटर्स पर डे यदि आप खाना खाते हैं, या खाना खाने के तुरंत बाद आपको वाटर लेने से बचना चाहिए क्योंकि वो आपके डाइजेशन को थोड़ा सा इम्पेयर करता है। तो खाना खाने के कुछ देर पहले आप पानी पी लीजिए और उसके आधे घंटे बाद आप पानी लीजिए। नाइट में खाना खाने के बाद में कुछ देर वॉकिंग कीजिए, आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कुछ समय के लिए आपको वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए क्योंकि वेजिटेरियन जो होते हैं उसमें आप जो आप एग्स वगैरह नहीं ले पाते हैं, प्रोटीन चीज़ें नहीं ले पाते हैं। लेकिन यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। ऑयल्स बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ऑयल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें जो सैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और वो जो होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है आपके बॉडी में जो कि आर्टरीज को ब्लॉक करता है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है आपके लिए। उसके बाद में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक को जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए। उसके अलावा आपको खाने में ऐसा खाना खाना चाहिए जो बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट मतलब जिसमें प्रॉपर अमाउंट में विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो। तो बैलेंस डाइट में जो कि आ जाता है सीरियल्स आ जाती हैं, आपके दालें आ जाती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, जैगरीज आ जाती हैं, ग्राउंड नट्स आ जाते हैं। तो ये कुछ फूड्स हैं जो आपको लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ डाइट टिप्स थी, जो ओबेस हैं जो ओवरवेट जो हैं उनको ये टिप्स आपको लेनी चाहिए। साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ एक्सरसाइजेस, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो आप ओवरवेट हैं तो आपको वेट कम करने में आपको मदद मिलती है। फ्रेंड्स इसके अलावा मैंने इसकी पहली वीडियो में होम्योपैथी मेडिसिन भी बताई है और कुछ टिप्स भी दिए हैं इसके अलावा भी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं आई बटन में शो कर दूंगी तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।